जी नवाल गिटार जी सो रेडी रेडी हाथी हाथी चीता चीता भी हाँ या आई लाइक एनिमल्स बनमानुस शॉप इतना तो क्यूट होता है आई नो मुझे वो ऐसा नहीं है वो किंग कॉन्ग नहीं देखी आपने यूं हाथ में खिला रहा होता है देखा पूरी किंग कॉन्ग क्या याद हाथ में खिला रहा होता नहीं मुझे उस टाइम ऐसा नहीं है कि मैं कभी खड़े होकर देखना चाहूंगी अब मैं चीता को शायद देखूं या चीता नहीं देखेगा वो खा जाएगा एलिफेंट को देखूं लेकिन आई डोंट थिंक शिकरा शिकरा शिकार परिंदा होता है शिकरा परिंदा तो ऑफ कोर्स बगैर बगैर ये जाने कि शिकरा क्या है आई लाइक बर्ड I don't want to touch birds, but I like to see birds fly. मुझे caged birds नहीं पसंद, but of course आपने bird का कहा तो. बुलबुल. बुलबुल yes. बुलबुल. Titanic. Titanic डूब गई थी. डूब गई थी. डूबने से पहले. डूबने से पहले तो वैसे सब भी अच्छा है. Spiderman. Spiderman. I like Superman. Oh, I like. No, yeah, I like Superman. Jeera blade. जीरा ब्लेड ये बताएंगे आपको डोंट टेल मी कि आपने जीरा ब्लेड नहीं देखी उन्होंने मौला जट नहीं देखी उन्होंने जीरा ब्लेड मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का नाम आपने सुना इन्होंने तो 100% सुना होगा अपने वालिद से भी फैमिली उनकी जो बहुत बड़ी फिल्में हैं उनमें से एक जीरा ब्लेड अच्छा फिर भी अब ये सुनने के बाद आपकी क्या है ये सुनो बहुत बहुत अच्छी फिल्म थी चुकंदर चुकंदर लाल आलू मेथी आई लाइक भैंस का दूध औरंगी टाउन औरंगी टाउन से सच वो है नहीं आना जाना इतना ज्यादा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा सिर्फ यस और नो है यस यस ओके सोहराब गोट सोहराब गोट मुझे आती है वो लासिफ पे जो बोटियां नहीं मिलती वो याद आता है तो गुड जमजमा जमजमा क्लोजर टू माय हाउस कैब कैब के मतलब जिंदगी में सफर के लिए बहुत कैब ओके जी एफएक्स एफएक्स V8 V8 आल्सो गुड कार्स ऑफ कोर्स एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो किसी की जिंदगी आसान करने के लिए बनाई गई है आई वुड नॉट माइंड दैट ठीक है वो मगर इन तीनों में से कौन सी गाड़ी आप लेंगी आई थिंक V8 ये लेगी से ड्राइविंग आती है नहीं इसकी कार मैं चला रही होती हूं आती नहीं है मुझे अभी नहीं सीखी आपने कार ले लिए चलाती मैं एक दफा गाड़ी लग गई थी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा हाँ। लेकिन हमारी गाड़ी को ही नुकसान पहुंचा उसके बाद से मेरे दिमाग में डर बैठ गया है हाँ। तो अभी मैं वो निकाल रही हूँ ऐसे नहीं वो तो लाइफ है देखिए अगर आपको कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप चलना तो नहीं छोड़ देते जी बिल्कुल दोबारा उठते हैं दोबारा चलते हैं जैसे दोबारा गाड़ी ठोकते हैं कहीं और इसको जल्द ही फिर को निकाल लो क्योंकि कभी कभी ना आप ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं देखिए ना जब 40 की उम्र आ रही है अभी तक गाड़ी नहीं चला पाती अरे नहीं मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ आपको पता है चलिए आप 40 तक का मान गई हैं बड़ी मेहरबानी इसका बहुत शुक्रिया जब ने सुना नहीं मेरा जुमला मेरे ख्याल में आधा सुना मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ ये जी कहती कल मैंने 4 गाड़ियां उड़ाई हैं जी। तो हम वापस आके जानने की कोशिश करते हैं कि भाई नजफ की और चांद की नवाल के बारे में इसकी तो मेहनतें ही होनी है बस है, मुझे इधर ले जाओ मुझे उधर ले जाओ वो तो अब जा रही थी बात सुनना तो मैंने कहा चले चलते हैं क्या राय है और क्या एनालिसिस है कहीं नहीं जाएगा नाजीर स्टे विद अस छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद है वन ओनली नवाल सईद हमारे साथ मौजूद है ज़ोया नासिर साहब आप देख रहे हैं जबरदस्त वेलकम बैक नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद आपके वालिद के जमाने की कोई कॉम्पोजिशन जो आपने अपने अब्बू को सुनते हुए सुना हो वो याद है आपको जी पापा मोहम्मद रफी को बहुत सुनते हैं किशोर साहब को बहुत सुनते हैं तो ये गाने पुराने तो याद हैं कोई पुराना गाना रफी साहब का किशोर साहब का कभी गुनगुनाया आप जी गुनगुनाया कोई अगर याद आता मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी अच्छा जी एनालिसिस
अच्छा, नवाल के पर्सनालिटी के हवाले से ऐसा लगता है कि बहुत इजी गोइंग हैं, हर चीज़ को लेके लेट गो कर देती हैं और कोई चीज़ों को लेके स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा है? हाँ, आई एम नॉट वेरी एनालिसिस अच्छे कर दी पराठे डिंगे पर काम लेट गो इन द सेंस आई विल फॉरगिव यू बट आई विल नॉट फॉरगेट व्हाट यू हैव डन आई विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन मुझे लगता है कि मेरे दिमाग से मेरे रिसेंटली मुझे मेरा दोस्त भी कह रहा था कि नवाल यू डोंट फॉरगेट कहा मुझे नहीं इफ यू कैन डू इट वंस टू मी यू कैन डू इट ट्वाइस क्या ज्यादा पेनफुल होता है आपको लगता है फॉरगेट कर देना फॉरगिव कर देना यानी कि दोनों में से forgive. क्या ज्यादा पेनफुल है किसको ज्यादा कैरी करना मुझे लगता है दोनों और क्या ज्यादा मुश्किल होता है फॉरगिव करना या फॉरगेट करना लगता है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भूल देना और माफ करना हां माफ भूल जाना और माफ कर देना देयर इज दिस कोट जो मेरे कमरे में भी मैंने बहुत बड़ा करके लगाया हुआ है फ्रेम और वो कोट है फॉरगिवनेस इज द फ्रेग्रेंस द ट्यूलिप शेड टू द हील दैट क्रशेस इट ऐसे ही हां भाई आपकी क्या हाथी इनको पसंद है बड़ा सोचती हैं अच्छा चीता इनको पसंद है स्पीड मारना चाहती हैं अच्छा जी मुझे एक बात बताएं जी जी ये हाथी किसी शख्स को अगर पसंद है तो सोचने से क्या मेरा भी यही सवाल था कि वो बड़ा नजर आता है ना मैं एलिफेंट की मेमोरी भी होती है ये हाँ और वही वाली मेमोरी होती है तो वो याद भूलता नहीं है वो फॉरगिव नहीं करता है पता आपको अच्छा हाँ नो यही तो कमाल है शाहजी इसके बाद कोई स्टोरी भी है ना जो हाथी का बच्चा कोई खा जाते हैं तीन लोग और फिर वो भूलती नहीं है माँ और वो फिर ढूंढ के उनसे बदला लेती है जंगल में वाँ वाँ तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना गाती भी है वो सांप की रूह आ जाती है उसके अंदर अच्छा मुझे लगता है नजफ ने ना वो सारी फिल्में देखी होंगी हाथी इन सिंगापुर हाथी मेरे साथ हाथी मेरे साथ थी हाथी कोलंबो मैं अपनी दादी मां को पूछूंगा नजफ थोड़ी सहेली सी नहीं वैसे आपको इस तरह की फिल्में पसंद थी मिस कोलंबो और हाथी मेरे साथ मुझे ऐसी फिल्में पसंद है जो कि थोड़ा सा डीप हो जिस तेरी मेहरबानी है ना कितनी बारी देखी बहुत डीप है अच्छा जी तो हाथी अगर किसी शख्स को पसंद है तो बड़ा सोचता है गौर करने वाला बड़ा सोचने वाला चीता इनको पसंद है दिमाग जी क्या कह रही हैं आप उसका दिमाग भी बड़ा दिमाग भी दिमाग अच्छा पता है आपको क्यों कह रही है जी ज्यादा खाया जा सकता है पर एक सवाल है कि बदमानस खूबसूरत है पर आपने सवाल किया वो बहुत क्यूट है क्यूट लगता है क्यूट कैसे है वो जब वो जो वो खिलाता था उसको तो क्यूट लगता था यस ही इज द गुड इन थिंग्स ये अच्छी बात है और भी बहुत कुछ कर सकता था इनका अच्छा सब कुछ ये नवाल शायर लोग हैं ये जो सलंसर में से धुआं निकलता था उसमें भी खूबसूरती तलाश कर लेते बहुत ही प्यारी बात है बहुत प्यारी बात है दो नए शादीशुदा जोड़े जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है मगर मोहब्बत है एक बाइक पे अगर जा रहे हैं और उसमें से धुआं निकल रहा है तो आपको हंसी लगे भाई खुदा का वास्ता खुदा की कसम मैं हैरान हूं भाई अगर बाइक पंक्चर हो गया अगर वो नई नवेली दुल्हन से कहे कि धक्का लगाओ और ज्यादा खूबसूरत लगेगा लगेगा वो एफर्ट कर रही है अपने पार्टनर के लिए एफर्ट कर रही है वो भी हंसी ये बात है फिर वो 5 साल के बाद 5 बच्चे उसी मोटरसाइकिल पे फिर 5 मिलके एफर्ट कर रहे हैं ये भी हंसी मोटरसाइकिल नहर से डिगी है।